फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा अगेन फेस पैक पर है और ये फेस पैक आपके स्किन के पिगमेंटेशन को रिड्यूस करेगा, ऑयल को रिड्यूस करेगा, आपके स्किन को टाइटन करेगा, ब्राइटन करेगा, सन टैन है उसे रिड्यूस करेगा, पिंपल्स के मार्क्स पड़ गए हैं उसे कम करेगा, रिंकल्स हैं स्किन पे झुर्रियाँ आ गई हैं या ब्लेमिशेस के मार्क हैं, पोस्ट प्रेगनेंसी जो हार्मोन्स की वजह से पिगमेंटेशन आ जाती है उसके मार्क्स को भी ये रिड्यूस करेगा। So let's get into the video. Hi guys, I'm Sudhof. Welcome back to my channel You and Me. Please subscribe करें मेरे channel You and Me को और bell button पे click करें beauty, makeup, cooking and DIY videos को सबसे पहले देखने के लिए। Friends, आज की ये video मेरी old video में से एक है। ये almost मैंने 3 years back डाला था ये video, but 4-5 seconds की music की वजह से copyright आई हुई थी इस पर और ये मैंने कई साल पहले भी देखा था लेकिन मुझे वक्त नहीं मिल रहा था इसे repost करने के लिए। इस वीडियो के इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं, मैंने कॉलिन क्ले ऑलमोस्ट कई साल से मैं यूज़ कर रही हूँ और उसके बहुत अच्छे इफेक्ट हैं इसलिए मैंने इसे रिपोस्ट किया है। और फेस पैक बनाने के लिए हमने फर्स्ट इंग्रेडिएंट लिया है यहाँ पर राइस, 1 to 2 teaspoon टेबल स्पून आप राइस ले सकते हैं, जो भी आप नॉर्मल चावल जो घर पर खाते हैं उसे 1 से 2 घंटे के लिए हमें भिगो लेना है, उसके बाद ही यूज़ करना है अच्छे से। एक कम से कम मिनिमम 1 आवर आपको उसे सोक करना है पानी में। 2 घंटे के बाद मैं इसे इस तरह से स्ट्रेन कर लूँगी स्ट्रेनर की हेल्प से और 1 घंटे के बाद ये जो सोक राइस है हमें उसे एक क्लीन जार में निकालना है इस तरह से। फ्रेंड्स, घर पे इस तरह के DIYs हेयर पैक फेस पैक यूज़ करने के लिए मैं हमेशा मिक्सर जार मैं अपना अलग रखती हूँ, स्पून और बोल अलग रखती हूँ ताकि हमें किसी तरह की इन्फेक्शन ना लगे, मसालों की वजह से दाने या पिंपल्स ना आए। जिस पानी में हमने चावल को भिगोया था उसे ही मिक्स करके हमें इसे अच्छा सा एक पेस्ट बना लेना है, बिल्कुल बारीक पेस्ट, फाइन पेस्ट हमें बनाना है इस राइस का। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप और पानी का इस्तेमाल कर सकते हो और बिल्कुल 1 से 2 मिनट तक के लिए अच्छा मिक्स करें और बिल्कुल फाइन पेस्ट, दरदरा नहीं चाहिए, बिल्कुल बारीक चाहिए हमें पेस्ट। और 1.5 से 2 मिनट के बाद ये पेस्ट हमारा रेडी है, बिल्कुल बारीक सा, मैं बार बार बोल रही हूँ बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बनाएं, दरदरा नहीं चाहिए, बिल्कुल बारीक और फाइन पेस्ट हमें चाहिए ताकि उसकी एप्लीकेशन अच्छी हो फेस पे। और ये चावल का पेस्ट हमारा रेडी है और इस चावल को पेस्ट को हमें एक बोल में निकाल कर एक साइड रख लें। फ्रेंड्स, राइस पेस्ट हमारा रेडी है और इस राइस के पेस्ट में हमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमें मिलाना है कॉलिन क्ले, ये हमारा है सेकेंड इंग्रेडिएंट। थर्ड इंग्रेडिएंट हमें इसमें मिक्स करना है 1/2 टेबल स्पून और 1 teaspoon एलोवेरा जेल और इन तीनों इंग्रेडिएंट को हमें अब मिक्स करना है, बिल्कुल पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी बना लेनी है। और अगर ये मिक्स ना हो तो आप इसमें रोज़ वाटर ऐड कर सकते हो या वो स्ट्रेन किया जो पानी बचा हुआ था चावल का आप उसे मिक्स कर सकते हो। मैं यहाँ पे रोज़ वाटर मिक्स कर रही हूँ और बिल्कुल ये थिक है अभी, हमें इसमें और थोड़ा पानी मिलाना है। आप वो स्ट्रेन किया हुआ पानी मिलाओ या रोज़ वाटर मिलाओ, आपकी मर्ज़ी, और इसे बिल्कुल पतली सी एक पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी जो अच्छे से अप्लाई हो वैसा बना लेना है। और फिर से मैं यहाँ पर इसे मिक्स कर रही हूँ और ये पेस्ट हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। आइए इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह किसी भी फेस पैक को लगाने से पहले अपने फेस को क्लीन कर लें, उसके बाद ही अपने किसी भी फेस पैक को आप अप्लाई करें। फ्रेंड्स, हमने यूज़ किया यहाँ पर राइस और कॉलिन क्ले एंड एलोवेरा जेल। कॉलिन क्ले एंड राइस ये मैजिकल इन्ग्रीडियंट है किसी भी स्किन टाइप को ब्राइटन करने के लिए, आपके सन टैन को रिमूव करने के लिए, पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने के लिए, पिंपल्स को रिड्यूस करने के लिए, ऑयल्स को रिड्यूस करने के लिए, ओपन पोर्स के इश्यूज़ है उसे रिड्यूस करने के लिए। फ्रेंड्स, राइस में बहुत सारे मिनरल्स हैं, आपको विटामिन ए है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, अमीनो एसिड्स है जो आपके स्किन को ब्राइटन करते हैं, आपके स्किन को लाइटन करते हैं, टाइटन करते हैं, आपके ओपन पोर्स को रिड्यूस करते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी फेस पैक को नेक पे भी ज़रूर लगाया करें, नेक और फेस दोनों को कवर किया करें। अगर आपको स्किन में झुर्रियाँ पड़ गई हैं तो उसे उसके स्किन में एक
टाइटनेस लाती है आपके स्किन में। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा कॉलिन क्ले, और कॉलिन क्ले के लिए मैंने पहले ही बताया कि इसे चाइना क्ले भी कहते हैं, वाइट कॉस्मेटिक क्ले भी कहते हैं, और ये बहुत बेनिफिशियल है आपके स्किन को टाइटन करने के लिए, ब्राइटन करने के लिए। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये सारे स्किन टाइप वाले, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव भी है तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये स्किन पे बहुत जेंटल होता है, बहुत माइल्ड होता है। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमने यूज़ किया है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल ना सिर्फ आपके स्किन को नरिश करेगा, आपके स्किन को हील करेगा, रिपेयर करेगा। और एलोवेरा भी हर स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं। इस फेस पैक में यूज़ किए हुए तीनों इंग्रेडिएंट हर स्किन टाइप वाले बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपकी कॉम्बिनेशन हो, ड्राई हो, ऑयली हो, हर स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं। और इस पैक को लगाने के बाद 20 मिनट हमें अपने फेस पे रखना है और फिर नॉर्मल टैप वाटर से वॉश कर लेना है, और किसी भी क्लीन टॉवल से आप अपने फेस को क्लीन करें या टिश्यू पेपर यूज़ करें। फेस पैक को क्लीन करने के बाद, वाइप करने के बाद आप इंस्टेंट ग्लो देखेंगे, एक फ्रेशनेस आएगी आपके स्किन में। आप इसे वीक में 2-3 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। राइस और कॉलिन क्ले का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है हर स्किन टाइप वालों के लिए। आप रिज़ल्ट, आप 1-3 बार यूज़ करो, आपको रिज़ल्ट खुद मिलेगा। बहुत अच्छी रेमेडी है ये। फ्रेंड्स, इस वीडियो को रीपोस्ट करने की वजह ये भी है कि इस कॉम्बिनेशन को मैंने कई बार लगाया और अभी भी लगाती हूँ, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। कॉलिन क्ले एक क्ले का ही टाइप है, जिस तरह से मुल्तानी मिट्टी होती है क्ले, उस तरह से ही ये कॉलिन क्ले भी होता है। लेकिन कॉलिन क्ले बहुत जेंटल है आपके स्किन के लिए। मैंने दोनों को यूज़ किया है, मुझे दोनों की डिफरेंस पता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। कॉलिन क्ले हर स्किन टाइप वाले लगा सकते हैं, चाहे आपकी ड्राई हो, सेंसिटिव हो। सबसे अच्छी बात है कि ये सेंसिटिव स्किन वाले भी लगा सकते हैं। आपकी स्किन बहुत स्मूथ है और ये बहुत ईजिली ग्लाइड होता है स्किन पर। ड्राई स्किन है, आप थोड़ी सी ग्लिसरीन मिला सकते हो, हनी मिला सकते हो, या आप मिल्क मिला सकते हो अपने स्किन के अकॉर्डिंग। सो फ्रेंड्स, अगर आप स्किन ड्राई है, सेंसिटिव है, आप बिल्कुल लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, इस पैक के इंग्रेडिएंट है हमारी राइस और कॉलिन क्ले, और ये दोनों ही इंग्रेडिएंट आपके स्किन के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। अगर हमें एक्सेसिव ऑयल की प्रॉब्लम है तो एक्सेसिव ऑयल को सक करेगा, पिगमेंटेशन है उसे रिड्यूस करेगा। अगर आपको पिम्पल्स, एक्ने की प्रॉब्लम है उसे डिमिनिश करेगा डे बाई डे। मैंने यूज़ किया है इंस्टेंट ग्लो के लिए, एक फॉर्मनेस के लिए स्किन में। फ्रेंड्स, वीडियो की सारी डिटेल्स और प्रोडक्ट लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, प्लीज़ एक बार ज़रूर चेक करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।